बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स। फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक दो टर्म्स को समझेंगे। फर्स्ट टर्म इज फैक्टोरियल। मान लीजिए मैं किसी टर्म के लिए लिखता हूँ n फैक्टोरियल, देन n फैक्टोरियल मीन्स n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू n। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। मीन्स मुझे एक एक कम करते जाना है जब तक कि फाइनल आंसर 1 नहीं आ जाता। This result is 120. Similarly, if you write down 4 factorial, it should be 4 into 3 into 2 into 1. This should be 24. Similarly, if you write down 1 factorial, it will be 1. But note that if you write down 0 factorial, then it will be again 1. Okay, second term is NCR. This is NCR. It will be written as n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. जो नंबर ऊपर लिखा है पहले उसका इंटीजर डिवाइडेड बाय जो नंबर नीचे लिखा है उसका फैक्टोरियल एंड देन n माइनस r का फैक्टोरियल यहाँ पर आएगा। समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ आई राइट डाउन 5c4 देन इट मीन्स दैट इट शुड बी रिटन एज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल हमने अभी सॉल्व किया था, दिस इज 120। 4 फैक्टोरियल हमने अभी सॉल्व किया था, दिस इज 24। 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 इज 1। 1 फैक्टोरियल हमने यहां पे सॉल्व किया था, इट इज अगेन 1। अगर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो दिस रिजल्ट कम्स आउट 5। सिमिलरली इफ यू सॉल्व 5c1, it will be written as 5 factorial upon 1 factorial into 5 minus 1 factorial. You will simply write down 5 factorial upon 1 factorial into 4 factorial. अगर आप इसको solve करोगे, again you will get it as 5. Okay, one another point, if you write down 5c0, it will be written as 5 factorial upon 0 factorial into 5 minus 0 factorial. 5 factorial will be as such, j factorial हमने अभी बात की थी 1, यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पर 5 minus 0 is again 5 factorial, so this result will be again 1. If you are able to understand, then we will be able, then we can proceed. Okay, now first of all, we will write down general expression for binomial theorem for positive integer index. If we have an expression x plus a raised to power n, it will be written as nc0 into x raised to power n plus nc1 into x raised to power n minus 1 into a raised to power 1 plus nc2 x raised to power n minus 2 into a raised to power 2, and this will continue till we get expression ncn a raised to power n. अब इसको एक बार ध्यान से समझते हैं। एक्सप्रेशन में nc0 जो यहां से शुरू हुआ 0 से 1 2, ये नंबर बढ़ता हुआ कहां तक गया, n। n क्या है, इस फंक्शन का एक्सपोनेंट, इस फंक्शन की पावर। अब जब हमने फर्स्ट टर्म लिखी तो उसमें आई x की पावर n, उसके बाद हर स्टेप में x की पावर 1 कम होती जा रही है जब तक कि ये फाइनली 0 नहीं हो जाती। x से पावर 0 को मैंने यहां पे लिखा नहीं। अब अगर यहां पर a को देखें तो फर्स्ट टर्म में a नहीं आता, बेसिकली यहां पर a की पावर कितनी है, 0, ठीक है। उसके बाद हर स्टेप में यानी कि हर टर्म में a की पावर 1 1 बढ़ती जाती है जब तक कि a की पावर n नहीं हो जाती।
मीन्स हर एक टर्म में हो क्या रहा है, एक तो ये कॉफिशियंट आएगा एन से जीरो, जिसमें एन हमेशा वही रहेगा और जीरो से काउंटिंग बढ़ती जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव अप टू एन, एंड एक्स जो वही टर्म शुरू होती है वो होती है एक्स इज पावर एन से, उसके बाद उसका एक्स का एक्सपोनेंट हर टर्म में कम होता जाएगा, एक का एक्सपोनेंट जीरो से शुरू होता है और वो बढ़ता जाएगा वन के स्टेप्स में जब तक कि फाइनल एन नहीं आ जाता। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एक्सप्रेशन में कितनी होनी चाहिए। अगर मैं ए पे ध्यान ए को ध्यान से देखूं तो ए की एक्सपोनेंट वन से शुरू हो रहा है अप टू एन, तो यहां पर इतनी एन टर्म्स हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी एन प्लस वन। आप एन से जीरो से काउंट करना शुरू कर सकते हो, शुरू हुआ जीरो से खत्म हुआ एन पे, फिर से अगेन हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन विल बी एन प्लस वन। तो यू मे इवन नोट डाउन नंबर ऑफ टर्म्स विल बी एन प्लस वन। इसको थोड़ा सा आप लोगों को मैं कन्विंस भी कर सकता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए आपको सॉल्व करना है वन प्लस एक्स इज पावर वन, आंसर कितना आएगा वन प्लस एक्स। नोटिस करो यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है वन, बट एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स आई है वन प्लस एक्स मीन्स वन एंड वन टू, हियर यू विल हैव टू टर्म्स। ओके, लेट अस सपोज दैट यू वांट टू सॉल्व वन प्लस एक्स इज टू पावर टू, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो एक्सप्रेशन यही बनेगा। नोटिस करो यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है टू, नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन आर थ्री, मीन्स जितनी एन की वैल्यू है जितना एक्सपोनेंट है नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा आएगी। अगर आप लिखते हो वन प्लस एक्स इज टू पावर थ्री, देन इट कैन बी सिंप्लीफाइड एज वन प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज टू पावर थ्री, अगेन नंबर ऑफ टर्म्स आर फोर, फोर हाउ थ्री एक्सपोनेंट प्लस वन। सिमिलरली मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक आता होगा, अगर आपको 1 प्लस एक्स इज पावर 4 सॉल्व करना है तो शायद आप दो स्टेप्स में करोगे। आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, वो कैलकुलेशन करके आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर यू कैन अगेन नोटिस दैट यू विल गेट 5 टर्म्स इन द सेम मैनर। अगर मैं आपको कहूँ 1 प्लस एक्स इज पावर 5 को सिंप्लीफाई करना है तो शायद आप इसको सिंप्लीफाई करते करते कुछ इस तरह से लिख लोगे, टेन एक्स इज टू पावर थ्री प्लस फाइव एक्स इज टू पावर फोर प्लस एक्स इज टू पावर फाइव, अगेन यू विल गेट एन प्लस वन टर्म्स, मीन्स इन दिस केस यू विल गेट 6 टर्म्स। तो अब यहां पर कंसेप्ट ये है कि आप इस एक्सप्रेशन में पावर 1, 2, 3, 4, 5 को सॉल्व कर लोगे, मान लीजिए 10 आ गया 20 आ गया, तब आप एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करोगे। ऐसे समय में बायनोमियल थ्योरम हमारी हेल्प करेगी। जो हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है उस एक्सप्रेशन में n एक जनरल इंटीजर है, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर मीन्स n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। तो आप इस एक्सप्रेशन को जब एक्सपेंड करोगे यू विल गेट योर रिजल्ट। अब मैं अगली स्लाइड में आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सिखाता हूं। ठीक है, मैं एक बार फिर से आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए एक्सप्रेशन को लिखूंगा, x प्लस a इज टू पावर n, इट इज रिटन एज n से जीरो into x raised to power n plus nc1 into x raised to power n minus 1 into a raised to power 1 plus nc2 into x raised to power n minus 2 into a raised to power 2 so on, जब तक कि finally हमारे पास nc n नहीं आ जाता, x raised to power 0 बन जाएगी और a raised to power n हो जाएगी। चलिए अब इस expression को solve करने की कोशिश करते हैं। अगर n की value 2 हो तो मैं n की वैल्यू 2 से शुरू करूंगा, इस एक्सप्रेशन में n को 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, 2 से 0 इनटू x इज टू पावर 2 प्लस n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 से 1 इनटू 2 सॉरी x इज टू पावर 2 माइनस 1 इनटू a की वैल्यू एज सच पावर 1 प्लस
2c2 इंटू एक्स रेस टू पावर एन को 2 पुट किया, 2 माइनस 2 इज 0 इंटू ए स्क्वायर, मीन्स हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, 2c0। 2c0 को हमने अभी सॉल्व करना सीखा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2c1 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल एक्स रेस टू पावर 1 इंटू ए रेस टू पावर 1 प्लस 2c2 मे बी सिंप्लीफाइड एज 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 2 फैक्टोरियल एक्स रेस टू पावर 0 विल बी 1 इंटू ए स्क्वायर। तो ये हुए 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट जाएंगे, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो ये कॉफिशियंट कितना हो गया 1, मीन्स आई कैन राइट डाउन एक्स स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 माइनस 1 इज अगेन 1, 1 फैक्टोरियल इज 1 इंटू एक्स इंटू ए प्लस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ पर 0 फैक्टोरियल बचा, 0 फैक्टोरियल इज 1, वी मे राइट डाउन 1 इंटू ए स्क्वायर, therefore expression may be written as x square plus 2ax plus a square जो कि हमारा standard expression है। fine, अब हम एक और example के through इसको expand करना सीखेंगे। चलिए अब लिख लीजिए expression 1 plus x raised to power 3। ये काम करते हैं, पहले मैं एक बार यहाँ पर आपके reference के लिए फिर से equation लिख देता हूँ। इक्वेशन में अब फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन, इसे क्या लिख सकते हैं, एन सी 0 1 रेस टू पावर एन इंटू एक्स रेस टू पावर 0 प्लस एन सी 1 इंटू 1 रेस टू पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स रेस टू पावर 1 प्लस एन सी 2 इंटू 1 रेस टू पावर एन माइनस 2 इंटू एक्स रेस टू पावर 2 and so on up to nc n 1 raised to power 0 into x raised to power n। चलिए अब इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास n की वैल्यू 3 हो गई है, तो मैं इसे लिखूंगा 3c0 into 1 raised to power 3 into x raised to power 0 plus 3c1 into 1 raised to power 2 into x raised to power 1 plus 3c2 into 1 raised to power 1 into x raised to power 2 plus 3c3 into 1 raised to power 0 into x raised to power 3. 3c0 can be simplified as 1, 1 x raised to power 0 is again 1, 3c1 can be simplified as 3, 3 into 1 into x, 3c2 can be simplified as 3, 3 into 1 into x square plus this is again 1 into 1 into x cube, which means that final expression will be written as 1 plus 3x plus 3x square plus x raised to power 3, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि 3c0 कैसे आया, तो इसको आप देख सकते हो 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 0 फैक्टोरियल, दिस विल बी 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल व्हिच विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली 3c1 कैन बी सिंपलीफाइड 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल व्हिच विल बी 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, व्हेन यू विल सिंपलीफाई यू विल गेट इट 3। तो इस ढंग से आप सॉल्व कर सकते हो बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स। हमारे फिजिक्स के सिलेबस में जो हम प्लस वन प्लस टू में यूज करते हैं उसमें पॉजिटिव इंडेक्स के लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हमें जो मैक्सिमम कंसर्न आएगा वो आएगा बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, और जनरल एक्सप्रेशन आएगा जिसको हम अभी अगले रिकॉर्डिंग में समझेंगे। बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, मीन्स
हमने अभी जो एक्सप्रेशन पढ़ा उसमें क्या था, x प्लस ए रेज टू पावर n। अब मैं इस एक्सप्रेशन को चेंज करूंगा, आई विल राइट डाउन 1 प्लस x रेज टू पावर n। अब इसमें जो n है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, n मे बी इंटीजर, ठीक है, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, इवन n मे बी फ्रैक्शन। जबकि जो हमने पहले पढ़ा था इसमें हमने मेंशन किया था n मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। तो जो हमारी अभी डिस्कशन है उसमें n मे हैव एनी वैल्यू आइटम, इट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और इवन मे बी फ्रैक्शन। सेकेंड कंडीशन यहाँ पर मैं x के लिए लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा मॉड ऑफ x मस्ट बी लेस देन 1, जिसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। मींस अगर x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई कर रही है, इस ब्रैकेट में जो दो टर्म्स हैं उनमें से फर्स्ट टर्म 1 है, इनकी एक्सपोनेंट यानी कि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इन तीन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बाइनोमियल थ्योरम को हम दोबारा से लिखेंगे, 1 प्लस x रेज़ टू पावर n may be written as 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial into x raised to power 2 plus n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial into x raised to power 3 and so on। Okay, अब यहाँ पे आपको ध्यान करना पड़ेगा पॉइंट नंबर 1 या ए लिख लो पॉइंट नंबर ए, कि इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर तो उस केस में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी एन प्लस 1। बेसिकली अगर एन पॉजिटिव इंटीजर है तो ये पूरा एक्सप्रेशन ठीक वैसा ही बन जाएगा जैसा कि हमने पिछली रिकॉर्डिंग में देखा था। ओके, ये एक्सप्रेशन तब खत्म हो जाएगा जब फाइनली आपके पास यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हुए n माइनस n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकती, आपकी लास्ट टर्म जो होगी उसमें फाइनली n ये जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगी। ओके, अगर हमारे पास n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, एन इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, उस केस में जो नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। हम यहाँ पर इसको समझने के लिए कि ये वैल्यू इनफाइनाइट क्यों होगी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एन की वैल्यू मैं -2 लिख लेता हूँ, -2 मीन्स नेगेटिव इंटीजर, इट इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। तब मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस एन की वैल्यू -2 इंटू एक्स प्लस n की वैल्यू -2, आई एम यूजिंग अबव एक्सप्रेशन, उसी में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ये टर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये टर्म पहले ही लिख चुका हूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये टर्म है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे -2 इंटू -2 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल हमने अभी पढ़ा था, इट इज 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये थर्ड टर्म अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगी, -2 इंटू -3 इंटू -4 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू x रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो इसमें 1 -2 x ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू -3 प्लस 6 प्लस 6 बाय 2 इज प्लस 3 प्लस 3 x स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 कट जाएगा तो -4 बचेगा, -4 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ पर देखो कि इस नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो कम नहीं हो रहा, बल्कि स्टेप्स में जो कॉफिशियंट है वो लगातार बढ़ रहा है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं दैट विल बी इनफाइनाइट। अब हमारे पास इसमें एक स्पेशल केस होता है, इफ मॉड ऑफ एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, यही हमारे फिजिक्स में सबसे ज्यादा
यूज होगा, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हम लोग अभी एक्सप्रेशन लिखेंगे वही हमने मैक्सिमम यूज करने हैं, ठीक है। अगर x की वैल्यू एक से बहुत छोटी हो तब इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 1 plus nx। एक्चुअली में जो बाकी की टर्म्स थी मैं इनको इग्नोर करूंगा बिकॉज हमारे पास आएगा n into n minus 1 upon 2 factorial, 2 factorial means 2 into 1 into x square and so on। ये जो हायर टर्म्स हैं उनकी वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। समझने के लिए मान लीजिए x की वैल्यू मेरे पास 0.001 है, जब मैं x square लिखूंगा तो ये हो जाएगा 0.00001। means if this is 10 raised to power minus 3 then x square will be 10 raised to power minus 6, this value is very small and hence we can ignore terms containing higher powers of x, means मैं सिर्फ x की power 1 वाली term तक solve करूंगा, उसके बाकी वाली terms को ignore कर देंगे, means जो हमारा एक्सप्रेशन फाइनली बन जाएगा वो बन जाएगा 1 plus x raised to power n is equal to 1 plus nx। बट ये रिजल्ट तभी एप्लीकेबल है जब मॉड ऑफ x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। सिमिलरली मान लीजिए हमारे पास एक्सप्रेशन हो 1 plus x raised to power minus n, देन दिस एक्सप्रेशन विल रिड्यूस टू 1 plus minus n into x, मीन्स 1 minus nx। Similarly, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन हो 1 minus x raised to power n, then we can write 1 plus n into minus x means again 1 minus nx। देखा से आपको क्लियर होगा इन सभी एक्सप्रेशंस में हम x की हायर पावर्स को इग्नोर कर रहे हैं। We are assuming that x is very very small as compared to 1 and hence higher powers of x will have very small and can be ignored in comparison with the first two terms. Okay, if we have 1 minus x raised to power minus n, then it may be written as 1 minus n into minus x, that is 1 plus nx. Okay, अभी तक हमने जो पढ़ा उसको हम कुछ examples के थ्रू यहाँ पर apply करना सीखेंगे। मेरे पास सबसे पहले question है 1001 raised to power 1 by 3। We will try to solve this expression using binomial theorem। देखो इसके लिए मैं binomial theorem को ध्यान से देखूंगा। binomial theorem में हमने ये expression पढ़ा था 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial into x square and so on। बट ये एक्सप्रेशन अप्लाई करते हुए हमने ध्यान रखा था कि x की वैल्यू एक से छोटी होनी चाहिए, एक्सपोनेंट मे हैव एनी वैल्यू, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और इवन फ्रैक्शन। यहाँ पर ये फ्रैक्शन है तो हम इस बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। बट बिफोर डायरेक्टली अप्लाइंग वी हैव टू कन्वर्ट 1001 इन दिस फॉर्म। To do so, I am writing it like this, 1000 plus 1 raised to power 1 by 3. अब क्या ये एक्सप्रेशन इसके साथ मैच कर रहा है? दो फर्क है, एक तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो 1 नहीं है, सेकेंड हमने कहा था कि x की वैल्यू जो है मोड ऑफ x कहलो इट शुड बी स्मॉलर देन 1। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को उल्टा करके भी लिखता हूँ, फर्स्ट टर्म तो 1 बन जाएगी, तो जो सेकंड टर्म है 1000 होगी एंड 1000 इज नॉट लेस देन 1। तो हम यहाँ पर एक स्टेप करने वाले हैं, मैं 1000 से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड एट द सेम टाइम इसे 1000 से डिवाइड करूंगा, तो दिस एक्सप्रेशन विल रिड्यूस लाइक दिस। मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर होगा, ये पावर 1/3 हो जाएगी। अब मैं इस पावर को अलग अलग कर लूंगा, मैं लिखूंगा 1000 raised to power 1/3, फिर इसे लिखूंगा 1000 by 1000 is 1 plus this is 0.001 raised to power 1/3, ये कितना हो जाएगा 10 raised to power 3 raised to power 1/3, ये हो जाएगा 1 plus as such लिखेंगे 0.001 raised to power 1/3, this is 10। now
If you look at this expression, this is exactly same as this one. 1 plus x, here x is very very small as compared to 1. तो हम यही चाहते थे कि ये वैल्यू एक से छोटी हो. अगर एक से छोटी होगी तो हम अप्रोक्सीमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, हम x की हायर पावर्स को इग्नोर भी कर सकते हैं. मीन्स आई कैन राइट ऑन 1 प्लस n इंटू एक्स, एक्स इज 0.001. ठीक है, फर्स्ट टू टर्म्स तक हम इसे सॉल्व करेंगे, उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं बटेंगी. ये हो जाएगा 1 प्लस 0.0003, सो दिस विल बी 10.003, विच इज रिक्वायर्ड आंसर. सिमिलर लाइंस के ऊपर हम एक और क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करेंगे. अगर हमें अंडर रूट 26 को सॉल्व करना हो तो मैं इसे लिख सकता हूँ 26 raised to power 1/2. This may also be written as 1 plus 25 raised to power 1 by 2. अब फिर से मैं 25 से मल्टीप्लाई और 25 से डिवाइड कर लूंगा 1/25. ये मल्टीप्लाई 25 से इधर मल्टीप्लाई कर लिया, इधर ब्रैकेट के अंदर 25 से डिवाइड कर लिया. ठीक है, डू होप सो आपको क्लियर होगा. ओके, अब फिर से इस पावर को अलग अलग कर लेते हैं. 25 raised to power 1/2, ठीक है, ये बन जाएगा 1/25 plus 1 raised to power 1/2. 25 का रूट कितना हो जाएगा 5 into. अब एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं इसे लिख सकता हूँ 1 plus 1/25 raised to power 1/2. ठीक है, ये 5 तो ऐसे आ जाएगा, बट हम इस एक्सप्रेशन के ऊपर बायनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं. बायनोमियल थ्योरम क्या थी? 1 plus x raised to power n which is equal to 1 plus nx. इस थ्योरम को लगाते हुए हमें ध्यान रखना था mod of x should be very very small as compared to 1. ठीक है, n exponent may have any value here. In this case we have x is equal to 1/25 which is 0.04 which is very small as compared to 1. Therefore we can apply this expression and we can ignore higher powers of x as these values will have very small significance as compared to first two terms. So applying binomial theorem, 1 plus nx, n is 1/2 and x is 1/25. So we may write down 1 plus 1/50, 1/50 is 0.02. So your answer is 5 into 1.02 which is 5.10.